हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है फ्रेंड्स, कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस। डैट मीन्स जो फ्रेंड्स कोई भी कूलिंग टावर होगा उसको हम लोग ऐसा देखकर नहीं बोल सकते कि वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं फ्रेंड्स, उनको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, कूलिंग टावर की रेंज। फ्रेंड्स, रेंज क्या होती है? हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, फिगर में हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, हॉट वाटर टेम्परेचर कितना अपना 28 डिग्री सेल्सियस माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर कितना है फ्रेंड्स? 24 डिग्री सेल्सियस। सो ये कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ये अपना क्या आ गया? रेंज आ गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है फ्रेंड्स? कूलिंग टावर अप्रोच। अप्रोच फ्रेंड्स क्या होता है? ये अपना कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस बेड बल्ब टेम्परेचर। बेड बल्ब टेम्परेचर फ्रेंड्स, अप्रोच को हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि जो अभी ये अपना जैसे कूलिंग टावर अपना रनिंग कर रहा है, इसका कोल्ड वाटर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, ये और कितना पानी को ठंडा कर सकता है वो इसकी अप्रोच होती है। सो फ्रेंड्स, हमने बेड बल्ब टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी दिखाया हुआ है, कोल्ड बेल्ब टेम्परेचर 24 है। सो उसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कोल्ड बेल्ब टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस माइनस बेड बल्ब टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, बेड बल्ब टेम्परेचर के लिए हम दूसरी वीडियो में बेड बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, हॉट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, उसको हम लोग दूसरी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी कितना हो जाएगा ये फ्रेंड्स? 5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अपना अप्रोच आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। देन फ्रेंड्स, अपना तीसरा टॉपिक आ जाता है इफिशियंसी। कूलिंग टावर की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी फ्रेंड्स, जो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है एफिशिएंसी का, वो होता है फ्रेंड्स रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एकदम साधारण सा फार्मूला है एफिशिएंसी। डैट मीन्स इसमें 100 का मल्टीप्लाई आउट कर देंगे तो बेटा। सो रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। यहाँ पर अपने पास फ्रेंड्स पूरा पैरामीटर, यहाँ पर हमने ऑलरेडी रेंज निकाला है, अप्रोच भी निकाला है। तो रेंज कितना है अपना? 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेंज प्लस 4 डिग्री सेल्सियस प्लस अप्रोच कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। सो ये हो गया फ्रेंड्स 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेट आएगा 4 आएगा। तो मीन्स एक को हम इंक्रीज कर लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ गया अपना 45%। मीन्स जो अपना कूलिंग टावर की एफिशिएंसी, अभी ये करंट पैरामीटर के हिसाब से हमने जो डायग्राम में पैरामीटर्स दिखाए हुए हैं उनके हिसाब से अभी अपना जो एफिशिएंसी कूलिंग टावर की वो चल रही है फ्रेंड्स 45% पर। फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है 4 नंबर, हीट लोड या इफेक्टिवनेस। फ्रेंड्स, हीट लोड या इफेक्टिवनेस, उसको हीट लोड डेट मीन्स फ्रेंड्स ये कितना अपना हीट को रिजेक्ट कर रहा है, जो सराउंडिंग में अपना यहाँ से वाटर से कितनी हीट को पर आवर में रिजेक्ट कर रहा है वो अपना हीट लोड हो जाए, वो उसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है MCP इंटू डेल्टा टी। अब फ्रेंड्स, एम मतलब जो मास फ्लो रेट हमने इस डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया है 850 मीटर क्यूब पर आवर। सो 850 इंटू ये फ्रेंड्स मीटर क्यूब पर आवर है, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीपी डेट मीन्स फ्रेंड्स, जो अपना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये होती है 1। सो फ्रेंड्स, डेल्टा टी डेट मीन्स हॉट वाटर टेम्परेचर एंड कोल्ड वाटर टेम्परेचर का डिफरेंस। वो सेम यहाँ पर रेंज निकाले हुए हैं, वहाँ भी हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर ये रेंज होता है। तो यहाँ पर रेंज ही डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स हम लोग अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे सो 850 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया फ्रेंड्स 3, 4, 5 × 0, 1, 2, 3, 4, 5 × 0। ये फ्रेंड्स इसकी यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर आवर में। फ्रेंड्स ये जो हीट लोड आया इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, जो अपना कूलिंग टावर है एक घंटे में इतना हीट का रिजेक्शन कर रहा है, मतलब इतना हीट को रिलीज कर रहा है, वो अपना यहाँ पर आ गया हीट लोड। अब फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोग हीट लोड को कहीं कहीं पर TR में भी बोलते हैं या इसकी कैपेसिटी बोलते हैं, ये इसकी कैपेसिटी भी हो जाएगी। तो अगर हमें जैसे ये अपना किलो कैलोरी पर आवर में हो गया, अब हमें अगर इसी सेम चीज़ को फ्रेंड्स हमने TR में कैलकुलेट करना हो तो हम इसी को यहाँ से 3024 से डिवाइड करा देंगे। अब 3024 से यहाँ से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 0 डिवाइडेड बाई 3024। फ्रेंड्स ये अपना आ गया 1124.33 TR। ये अपना आ गया फ्रेंड्स हीट का लोड, मतलब इतना अपना जो कूलिंग टावर है एक घंटे में इतनी हीट का रिजेक्शन कर रहा है, मतलब 34,00,000 किलो कैलोरी पर आवर हीट का रिजेक्शन कर रहा है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट पॉइंट है 5COC मीन्स साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स कोल्ड वाटर TDS डिवाइडेड बाय मेकअप वाटर TDS। सो फ्रेंड्स अभी इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये कोल्ड वाटर टेम्परेचर कितना अपना 1440 ppm डिवाइडेड बाय मेकअप वाटर TDS अपना फ्रेंड्स 250 ppm। सो फ्रेंड्स अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा 5.76 आएगा। सो ये अपना आ गया COC मीन्स साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है ब्लोडाउन लॉस। फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ इवेपोरेशन लॉस डिवाइडेड बाय COC-1। सो फ्रेंड्स अभी अपने पास परसेंटेज ऑफ इवेपोरेशन लॉस यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स 2%, यह हुआ 2% डिवाइडेड बाय COC यहाँ पर निकला हुआ है 5.76 माइनस का 1, 2 डिवाइडेड बाय 4.76। सो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.42% आएगा। सो फ्रेंड्स आ गया अपना ब्लोडाउन लॉस अपना आ गया 0.42%। फ्रेंड्स ये 0.42% दैट मीन्स ये अपना रिसर्कुलेशन वाटर है जो अपना हेडर का रिटर्न लाइन का हेडर में जो भी फ्लो चल रहा है उसका 0.42%, दैट मीन्स 850 मीटर क्यूब का 0.42%। अब इसको एग्जैक्ट हम लोग निकाल लेते हैं मीटर क्यूब में कितना आ रहा है फ्रेंड्स, ये 850 मल्टीप्लाई 0.42 एंड डिवाइडेड बाय 100। सो फ्रेंड्स अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.52 मीटर क्यूब पर आवर, ये इतना ही अपना क्या हो रहा है ब्लो डाउन लॉस हो रहा है। फ्रेंड्स अब हम लोग आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 7, दिस वन मेकअप वाटर कैलकुलेशन। फ्रेंड्स ये क्या होता है मेकअप वाटर कैलकुलेशन में फ्रेंड्स जो अपना जो भी लॉसेस हैं उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो अपना उतना ही मेकअप वाटर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स आपने पहला अपना क्या आ गया इवेपोरेशन लॉस,
प्लस फ्रेंड्स अपना ब्लो डाउन लॉस। प्लस ड्रिफ्ट लॉस। सो फ्रेंड्स इन सबको यहाँ पर हमने ऑलरेडी ब्लो डाउन लॉस निकाल कर ही रखा है। इवेपोरेशन लॉस हमारा 2% यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हमने किया हुआ है। 850 का 2% है, डेट मीन्स जो सर्कुलेशन वाटर सर्कुलेट हो रहा है इसमें अपने कूलिंग टावर में उसका 2%, डेट मीन्स 850 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा अपना 17 मीटर क्यूब पर आवर। सो फ्रेंड्स अब हम 1 by 1 करके सब वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रेंड्स अपना इवेपोरेशन लॉस यहाँ पर हो गया 70 मीटर क्यूब प्लस 3.57 अपना ब्लो डाउन लॉस प्लस ड्रिप लॉस। फ्रेंड्स ड्रिप लॉस यहाँ पर 0 है बिकॉज आप यहाँ पर ऑलरेडी हमने कूलिंग टावर में ड्रिप्ट एलिमिनेटर लगाया हुआ है। फ्रेंड्स ड्रिप्ट एलिमिनेटर क्या करेगा, जो भी जब यहाँ पर इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने के बाद इवेपोरेट होने के बाद एयर ऊपर उठेगी, हॉट एयर ऊपर चली जाएगी, उसके साथ साथ जो कुछ वाटर के ड्रॉप भी ऊपर जाएंगे उनको यहाँ पर ही होल्ड करेगा। जैसे ही होल्ड करेगा मीन्स वाटर का लॉस कम होगा। सो यहाँ पर इसको हम लोग निगलेक्ट ही मानकर चलते हैं। अगर ड्रिप्ट एलिमिनेटर लगा हुआ है अपने कूलिंग टावर में तो ड्रिप्ट लॉस अपना निगलेक्ट ही होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 0 हो गया। सो फ्रेंड्स अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20.57 मीटर क्यूब। फ्रेंड्स 20.57 मीटर क्यूब पर आवर का जो अपना मेकअप की रिक्वायरमेंट इस कूलिंग टावर में, जो अभी करंट में हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया उस कूलिंग टावर में 20.57 मीटर क्यूब पर आवर की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स अभी हमने लगभग सभी टॉपिक पर डिस्कस कर लिया। मैं ऐसा उम्मीद लगा सकता हूँ कि आपको अभी कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।